डिलीवरी के दौरान रहमानिया अस्पताल में हुई नवजात बच्चे की मौत। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा, पहुंची पुलिस। उन्नीस अगस्त शनिवार को शाम के समय कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित रहमानिया अस्पताल में एक परिवार ने और उनके कुछ साथी लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह थी कि खरड़ी रोड स्थित केजीएन अपार्टमेंट में रहने वाला खान परिवार, इनकी लड़की अल्फशा खान जो है वो डिलीवरी के लिए यहां उसे एडमिट किया गया था। इसी अस्पताल में उसका नाम था, चेकअप वगैरह के लिए लिखाया गया था, रूटीन उसका इलाज गर्भवती होने के दौरान यही किया जा रहा था और उसी के चलते यहां उसको एडमिट भी किया गया था। लेकिन इस परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की और अस्पताल के डॉक्टरों तथा स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे की पैदा होते ही मौत हो गई और वक्त रहते इन्होंने जो उपाय योजना या इलाज करना चाहिए था वो नहीं किया। इसके बाद जम करके परिवार वालों ने और उनके साथ के लोगों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। किस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल था, क्या कहना है इन पूरे परिवार वालों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पहले कैमरे में बात करने की बात कहकर बाद में बात करने से टाल दिया। इस वजह से अस्पताल का इस पूरे मामले पे क्या कहना है वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन इस हंगामे के बाद मुमरा पुलिस को सूचित किया गया, मुमरा पुलिस यहां पहुंची और अफसर खान जिनकी लड़की है अल्फशा खान, उसे अफसर खान और अन्य लोग जो है वो पुलिस स्टेशन गए और वहां पर पुलिस जो है उनकी सुनवाई कर रही थी। लेकिन घटना जब घटी तब क्या आलम था रहमानिया अस्पताल में, अल्फशा खान का क्या कहना खुद का, जिनका अपना बच्चा पैदा होते ही फौत हो गया, मृत हो गया, और उसकी माँ का और अन्य महिलाओं का क्या कहना है देखिए इस खबर में। जी खाला, आप क्या लगते हैं बच्चे के? मैं नानी। क्या नाम है आपका? नसीम खान। क्या मामला हुआ है आपके साथ में? हम लोग के साथ ये मामला हुआ कि बच्ची सुबह से दर्द से बहुत तड़प रही है, 5 बजे सुबह से लाए इसको, इन्हें 12 घंटे हो गए, तो ये लोग लेने को तैयार नहीं, बोलते पहला है, कल भी हो सकता, 1.5 दिन भी लगता है। नाम आपने यहाँ पे लिखवाया था पहले? जी जी। तो वो लेके नहीं, लेके जाते हैं वापस लाते उसको, ये कहते हैं वो बहुत दर्द हो रहा था उसको, यहाँ तक पॉइंट पे था अभी, मैं आपको क्या बोलूँ, तो उस वक्त भी ये लोग नहीं ले जा रहे, तो वो बोल भी रही है ले जाओ मुझे, तो नहीं ले गए वो। अपने क्या हुआ बोलते, वो बहुत जोर से चीखी ना तो उसकी धड़कन देखे, बच्चे की धड़कन चल रही थी, फिर वो बच्चे को अच्छा बोले चलो चलो लेबर रूम में लेके गए अंदर, और हम लोग तो इस जगह से हिले नहीं, हम लोग 3 घंटा थे इधर ही खड़े हुए थे, वो बच्ची को देख रहे, तो बच्ची तो अंदर थी, जब हुआ बच्चा तो तब ये लोग ने बच्चा ऐसा लटका के लाए और उसको मारने लगे, बच्चे को मारने, आवाज नहीं किया बच्चा, उतने में मुझे बुलाया गया, बोले आप अंदर आओ, आके देखो बच्चे की धड़कन स्लो चल रही है और इसको दवाखाने में एडमिट करना पड़ेगा, कालसे करके पास एक हॉस्पिटल है उसमें ले जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस हमारी आ गई है, तो तुम बच्चा क्यों नहीं दे रहे, हम दो बोले तो हम उसी वक्त ले जाते तो अल्लाह ना करे शायद बच भी जाए बच्चा, मतलब बच्चा दिया नहीं, एडमिट करने बोले कि बच्चा आपको सौंपा नहीं, लॉक कर लिए लोग दरवाजा लॉक करके, पता नहीं 1 घंटे से क्या कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं था, हम लोग 3 जन थे सिर्फ, बाद में मैंने सबको कॉल करी तो सब आए। कितने बजे का मामला है करीब? ये 5 बजे के टाइम उसको ले गए अंदर, 12 घंटे हो चुके थे एडमिट करके जी, उसके बाद में आपको बच्चा मिला तो ऐसी हालत, उसके बाद में बच्चा बोलते बोलते हम लोग बोले तो आप बोल रहे ना एडमिट करने का तो दे दो, हम लेते नहीं, बच्चा तो ऑफ हो गया। नहीं अम्मी नहीं ऐसे नहीं बोले, एक्चुअली क्या हो गया कि जैसा हम लोग को पता चला, अम्मी ने बताया कि बच्चा रोया नहीं है, उसकी धड़कन स्लो चल रही है, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, हम लोग आए और कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ खड़े, सिस्टर नर्स डॉक्टर सबसे पूछ रहे कि भाई हमारे बेबी कैसा है, बच्चू कैसा है, उसकी सिचुएशन बताओ, हाँ डॉक्टर बताएंगे, हाँ डॉक्टर बताएंगे, आखिर में इन लोग को पता चल गया पहले से ही कि बच्चा ऑफ हुआ है, बट बता नहीं रहे, इंचार्ज आ गई, इंचार्ज आते से मैं समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसको बोल दिए, उसको इन्फॉर्म कर दिए, फिर बाद में आपको भगा रही है, बोलती आप लोग जाइए उधर जाइए जाइए, कौन है इंचार्ज का नाम क्या? पता नहीं नाम तो क्या, हम लोग का ऐसे कुछ नाम है उसका, नीचे बैठिए, तो वो हाँ वो आए बाद में बोलते अरे रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिए, बोले अच्छा अच्छा डॉक्टर यू कम विथ मी, डॉक्टर्स को लिए और चले गए नीचे।
दोनों डॉक्टर को ओपीडी में बिठा दिए जाके, बोलते हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे को सही लाने के लिए, तो जब तुम हमको फिर क्यों बोले के लेके जाओ बच्चा? आप बोलते बच्चे को कुछ इंजरी भी हुई पैर वगैरह पर? पैर अभी हम लोग ने सब देखे, उसका पैर पूरा, आप वीडियो देखिए, बच्चे का वीडियो बनाई है, उसका पैर पूरा टेढ़ा है। हम बोले एक सेकंड, हमने देखे कि धड़कन उसकी सही चल रही थी, आप उसको लेबर रूम में ले गए, तो इतने में बच्चा कैसे होगा? तो बोले उसको नाल फंस गई थी, मिले अचानक नाल आ गई, हाँ गले में नाल आ गई। सर डॉक्टर अलग अलग बात कर रहे हैं, बच्चा रो रहा था, बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा है, हाँ बच्चे की माँ का बयान लीजिए, बयान अंदर है, हाँ उसकी माँ अंदर है, लीजिए उसकी माँ का इंटरव्यू लीजिए। कंडीशन में बोल रहे हैं, ये बताइए क्या बताया आपका? मेरा नाम अलफशा खान है जी। क्या हुआ आपके साथ में, जो बच्चे के साथ में हुआ है, तो कुछ लापरवाही का बता रहे थे, लापरवाही की गई है? लापरवाही की गई है, पंप नहीं मिल रहा था लोगों को टाइम पे बच्चे के लिए, बच्चे की आवाज़ मैंने दो बार सुनी हूँ, दो बार मेरे बच्चे ने रोया है, और झूठ बोलते हैं नाल फंसी है नाल नहीं फंसी। यानी कि आपको पता था कि आपका बच्चा जिंदा है, लेकिन ये लोग बता रहे कि वो सिरे से मतलब उसका इंतकाल ही हो गया। इन लोग ऐसा बोल रहे, आवाज आई थी बीच में दो बार रोने की आवाज आई थी मुझे, उन लोग मार रहे थे बच्चे को, उसके बाद मुझे दो बार आवाज आई थी मेरे बच्चे रोने की। आपको भी कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी बोल रहे थे? कब से, दो घंटे से, तीन घंटे से, कोई नहीं आया। उधर सब कंप्लेन लेना चाहिए था जी जी, तो आप उधर चलो, जो लेने का उधर, इधर भीड़ मत करो, ठीक है मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा। आपके आपकी मर्जी से लिया है हमने इनका भाई? किनका? हाँ हाँ हाँ, हमारी मर्जी से, मर्जी से हुआ है, बिल्कुल आपकी मर्जी से, हमने हमने बुलाया है, ये इनको इन्फॉर्म किया गया और इनसे हमने पूछे कि क्या है बच्चों की कंडीशन, तो ये हमको बताने को तैयार नहीं है। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये पॉज है। हॉस्पिटल के एडमिन आपको बुला के इनको ड्रॉप हो गया और इन में डॉक्टर शाहिद तो क्यों नहीं आए आपके लिए? मैं यहां पर बच्चा बच्चे को नहीं पे बात करो, तो नहीं करते और आवाज आ गए जी। कैसे हुआ ये बच्चे का? आप भी अभी आए? डर रही है बच्चे का हमारे। भागरी किधर है? बूंदी खाना मुंह दिखाओ अपना, जरा मुंह दिखाई करो, बहुत भागने का है ना, मर्डर करके भागते भगौड़े लोग, मर्डरर लोग।